हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मैं आज आ गई हूँ मेरा डॉल का भूख लेके। तो आज मैं बहुत एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था मेरा किचन सेट के बारे में, और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है मेरे किचन सेट में, ये मैसी ये सब कुछ हुआ है। जो भी हो, आज मैंने बोला था ना मेरे डॉल्स के बारे में, चिपनी वाली उसको आज बैंगन भरता और रोटी खानी। तो चलो बनाते हैं। ये तो मैंने बैंगन भरता और रोटी की आटा ले लिया है, और ये सब मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। चलो फर्स्ट भरता ठंडा हो जाएगा, फर्स्ट रोटी बना लेते हैं। गाइस, मैं तो इधर रोटी भून रही थी, तो मैं भूल ही गई थी। मैंने आप लोगों को फर्स्ट बोला था ना कि मैं इस बैंगन भरता बनाऊंगी, तो बैंगन को एक साइड पे गैस पे बैठा देती हूँ, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और मुझे मार्केट पर भी जाना है कुछ सब्जियाँ लेने। चलो बैठा बैंगन, ठीक है। फिर मैं जल्दी से जल्दी इस रोटी को बना लेती हूँ। पता नहीं रोटी कैसे बनेगी, मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ। रोटी हो गई है, इस आटे को साइड पे रख देती हूँ। तो चलो इसका काम हो गया है। मेरा हाथ तो ठीक है। इधर बैंगन भरता बन रहा है, मैं इतनी देर ये पैन को बैठा देती हूँ रोटी बनाने के लिए। ये और रोटी है मेरा इधर, तो तावे को थोड़ा पैन को थोड़ा सा गरम होने देते हैं, देन रोटी इधर डालूंगी और हो जाएगा फटाफट। तो बहुत गरम हो चुका है बैंगन, ये था पैन गरम हो चुका है। मैं एक रोटी डालती हूँ ऐसे करके, ये बैंगन हो गया है। मैं इसको बंद कर देती हूँ, और कहाँ रखूँ मैं इसको, बहुत गर्म है, बहुत गर्म था गाइस, पता नहीं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बैंगन को, इतनी देर मेरा रोटी हो जाएगा गर्म गर्म रोटी। मैं इस बैंगन का छिलका निकालती हूँ, मेरे पास इतने टाइम्स नहीं है। आटे को साइड पे रख देती हूँ जल्दी से।
चलो अभी मैं बैंगन को निकालती हूँ। बैंगन बहुत गर्म है गाइस, इधर टॉप पे पकड़ती हूँ तो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी। बहुत गर्म है, इतना गर्म क्यों है पता नहीं। रोटी थोड़ी थोड़े से ये मसाले मैंने जो रेडी करके रखे थे ये सब फर्स्ट वॉश कर लेती हूँ। ये कोरिएंडर है, ये चिली है और ये अनियन है। मैंने इस तीनों को वॉश कर लिया है और अभी मैं इधर डालने वाली हूँ। अरे मेरा रोटी हो गया है, बहुत गर्म है गाइस। रुकिए इस रोटी को, दूसरा वाला रोटी को दे देती हूँ अपने पैन पे। बहुत गर्म है, रोटी पक रहा है। इतने देर में ये सब मीडियम डाल देती हूँ। फर्स्ट हम डालेंगे अनियन, देन चिलीज, देन कोरिएंडर डालेंगे, देन ये दोनों डालेंगे। एक फर्स्ट तो तेल डालते हैं, तेल डाल दिया, अभी तेल का काम खत्म। रोटी को भी चेक करना पड़ता है। रोटी क्या हो रहा है पता नहीं आज मेरे साथ। थोड़ा सा हाथ धो लेती हूँ ठंडे ठंडे पानी से, नहीं तो मेरा हाथ गया आज। थोड़े से ये सॉल्ट डाल दिया। चलो इस सॉल्ट का काम भी खत्म। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स था हाथ से, मुझे बहुत चलो हमारा बैंगन भरता रेडी है। मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। ये मेरा रोटी। इस आज मुझे क्या हो गया है पर पता नहीं, मैं बहुत जल्दी जल्दी पे हूँ। नहीं बचने के आगे मुझे निकलना है घर से। अरे चलो गाइस रोटी तो रखा, इस रोटी तो हो गई थी। रोटी पहले जब मैं इसको ले रही थी ना तभी ये पैन गिर गया। बोलो मेरा आज दिन ही खराब है। तो मैं स्टील के प्लेट पर मैं ये दोनों छोटी छोटी रोटियां ले रही हूँ और इसके साथ बैंगन भरता। ये हमारा बैंगन भरता, मैं इसको इधर लेती हूँ। बैंगन भरता मैं इधर प्लेट पे ले रही हूँ। हो गया, ये मेरा रोटी भी रेडी है। ऑलमोस्ट तो रोटियाँ इधर ले लेती हूँ, गर्म है इसलिए मैं हाथ पे उठा कर जल्दी जल्दी पर ले लेती हूँ। तो बस रेडी है मेरा खाना। चलो मैं इधर ले लेती हूँ। और पता है आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने पानी क्यों नहीं लिया। पानी ना पीना नहीं चाहते हैं वो, क्या है ना रोटी खाने के बाद मेरे चाइल्ड्स पानी नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलो हम ये इधर, पता है किसको भूख लगी है, इस चिकनी को। मैं तो इसको ऐसे घर पे चिकनी चिकनी बुला के ही बुलाती हूँ। ये मेरा मतलब अभी हैबिट हो गया है। हेलो, वाओ मेरे खाने आ गए हैं, वाओ ये यम्मी यम्मी बैंगन भरता रोटी के साथ की मजा आएंगे। अभी तुमको खिलाने भी देते हैं। बहुत गर्म है ये बैंगन भरता, वो बैंगन भरता टेस्ट करके देखो। वाओ दीदी कितनी अच्छी बनी है,
अच्छी बनी है, थैंक यू सो मच। ये अभी थोड़े थोड़े करके खा लो। तो गाइज आप लोग देख चुके हैं, ये बैंगन भरता और रोटी खा रही है और इसको बहुत ही अम्मी भी लगा। तो आप लोग ज़रूर बोलना कमेंट में कि मेरा ये किचन रूम का ये सब जो मैंने बनाया बैंगन भरता और रोटी कैसा लगा, ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब तो भूलना ही मत करने को, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।